अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कई महीनों से जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद औरतों की है, लेकिन फिर भी यहां की सरकार टस से मस नहीं हो रही। हम अपनी ही बिजली मुल्क को देके खुद अंधेरे में रहते हैं। यहां ये हाल है कि हमें अपनी ही बिजली महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है, जबकि बाकी स्टेट्स में वहां की सरकारें लोगों को 200 से 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रही है। और मुल्क में जहां भी स्मार्ट मीटर्स लगे भी हैं, वहां कम से कम 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियत रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगाने के बावजूद यहां की बिजली की सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं हुई है। पहले से ही जम्मू कश्मीर की जमीन, हमारे रिसोर्सेज, हमारी नौकरियां बाहर के लोगों में बांटा जा रहा है, और वहीं अब मुफ्त की बिजली तो दूर की बात है, स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद यही बिजली के दाम आसमां को छू रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस लेटेस्ट फरमान की वजह से हमारे लोग, बिलखसूस गरीब लोगों की कमर टूट गई है, और ये ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बजाय इसके कि यहां के लोगों को कोई सहूलियत दी जाए, उनका जीना और मुश्किल किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग जाएं तो जाएं कहां?